आखिर संसद में पेश हो गया तीन तलाक खत्म करने वाला बिल। क्या संसद में पास हो पाएगा तीन तलाक से आजादी दिलाने वाला बिल? मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक यानी तलाक बिद्दत से आजादी दिलाने वाले बिल को आखिरकार संसद में पेश किया गया। सरकार की ओर से इस बिल को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। हालांकि इस बिल के पेश होने के बाद इसमें शामिल सजा के प्रावधान को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल भी हुआ। लोकसभा में इस बिल को पेश करने से पहले बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था ताकि बिल पेश होने के वक्त पार्टी के सांसद सदन में मौजूद रहें। उधर लोकसभा में बिल पेश करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने को कहा था, हम उसी का पालन कर रहे हैं। बिल के बारे में सांसदों को जानकारी देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, ये सम्मान नारी का है। हालांकि सरकार के इस बिल का बीजेडी ने जहां विरोध किया तो वहीं आरजेडी ने बिल में सजा के प्रावधान का विरोध किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ करार दिया। ओवैसी ने कहा कि तलाक बिद्दत गैर कानूनी है, घरेलू हिंसा को लेकर भी कानून पहले से मौजूद है, फिर इसी तरह के एक और कानून की जरूरत क्या है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी इस मुद्दे पर यू टर्न लेती नजर आ रही है। पहले कांग्रेस ने भी इसमें सजा के प्रावधानों का विरोध किया था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस भी कुछ सवालों के साथ इस बिल का समर्थन करने की बात कहती नजर आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर बुधवार देर रात राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस भी तीन तलाक बिल के पक्ष में दिखाई दे रही है। जाहिर है अगर कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है तो फिर मुमकिन है कि इस बिल को पास कराने में केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।